किसी भी गंभीर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नेता अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, कभी कैमरे पर रोते हैं तो कभी पैर धोते हैं। ये बीजेपी सीएम बड़े नौटंकीबाज हैं। आज हम आपको भारतीय जनता पार्टी और उनके नौटंकीबाज सीएम के कुछ ड्रामों के वीडियोस दिखाते हैं। वैसे तो अब इस देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि भाजपा का मतलब ही जुमलों वाली सरकार है। जब खुद प्रधानमंत्री अपने जुमलों और ड्रामों से बाज नहीं आते तो जाहिर सी बात है उनके मुख्यमंत्री कैसे आलाकमान से पीछे रह जाएंगे। वोट लेने के लिए, जनता को पागल बनाने के लिए भाजपा के सीएम कैसी कैसी नौटंकियां करते हैं, इसकी एक झलक देखिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो आपने देखा वो सरासर नौटंकी थी, जनता को बेवकूफ बनाने की नौटंकी। उनकी पार्टी से जुड़ा नेता एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है और फिर उससे ध्यान भटकाने के लिए शिवराज सिंह ये ढोंग रचते हैं। कमाल की नौटंकीबाज है। अब आप देखिए मणिपुर के सीएम की इस नौटंकी को। मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार की सीमाएं पार हो चुकी हैं, लेकिन इन महाशय को नौटंकी से फुर्सत नहीं है। ये पहले बोलते हैं कि इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन पूरा ड्रामा रचकर सीएम बीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा फाड़ दिया। बोला कि जनता ने फाड़ा है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, लेकिन इन सब के बीच भाजपा के मुख्यमंत्री को और कुछ नहीं, बस ड्रामा सूझ रहा है। इनको बस ये चाहिए कि लोगों का ध्यान कैसे मुद्दे से भटकाया जाए। अब आप मोदी सरकार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का भी एक वीडियो देखिए। ये है बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। ये महाशय महिलाओं की गुहार सुनने का बखूबी नाटक कर रहे हैं। जब महिला अपनी परेशानियां लेकर इनके पास पहुंची तो योगी जी ने ना कुछ पढ़ा, ना बोला, ना देखा, ना पूछा, बस सारे पेपर आगे थमा दिए कि देख लेना। ये सारा ड्रामा बस इसलिए रचा गया कि ये दिखा सके कि ये महिलाओं के कितने बड़े हितैषी हैं। काम करो ना करो, माताओं बहनों की बात सुनो ना सुनो, अपना प्रचार ठीक से होना चाहिए, यही भाजपा की असली नीयत है और नीति है। ये तो बस उन मुख्यमंत्रियों के कुछ वीडियो है जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, वरना हर राज्य में हर दिन इनके नेता इस तरीके के ड्रामे और नौटंकी करते रहते हैं। और करें भी क्यों ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। जब प्रधानमंत्री खुद यही सब करके जनता को बेवकूफ बनाते हैं तो आखिर उनकी प्रजा पीछे कैसे रह सकती है। लेकिन चिंता मत कीजिए मोदी जी, देश और दुनिया को आपका और आपके मुख्यमंत्रियों का ये असली चेहरा अब दिख गया है और इसका जवाब जनता आपको जल्द देगी।